दोस्तों, आप लोगों ने इस साल के स्टार्टिंग में काफी सुना होगा फ्लोर प्राइसिंग के बारे में, यानी कि जो एयरटेल आइडिया, वोडाफोन है, ये सभी जो है ट्राई से फ्लोर प्राइसिंग की डिमांड कर रहे थे कि जो कीमतें हैं वो यहाँ पर ट्राई के द्वारा फिक्स कर दी जाए, कि कोई भी ऑपरेटर उस कीमत से नीचे कोई भी प्लान नहीं दे पाए। तो आप फिर से जो है ये सभी ऑपरेटर ट्राई के पास चले गए हैं। तो क्या कुछ न्यूज आप फ्लोर प्राइसिंग को लेकर आ रही, कब से फ्लोर प्राइसिंग लागू किया जाएगा, कितनी कीमत होगी आपके मिनिमम प्लान की, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो कि COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, जिसमें रिलायंस जियो, एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है वो यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल इन्होंने ट्राई को एक लेटर लिखा है, जिसमें जो राजन मैथ्यू है उन्होंने लिखा है कि फिलहाल जो यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, उसको जो है जल्दी से जल्दी फ्लोर प्राइसिंग की डिमांड है और ये जल्दी से जल्दी फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो हालत है उन्हें जो है काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है, और इंडिया के अंदर जो सबसे कम ARPU है वो पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो अपने हर ग्राहक से सबसे कम फायदा ले रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इसलिए अब COAI और ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया लिमिटेड चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्राई जो है यहाँ पर जो फ्लोर प्राइसिंग है उसे फिक्स कर दें। तो इन्होंने क्या फ्लोर प्राइसिंग की डिमांड की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिलायंस जियो के बारे में बात करते हैं। तो रिलायंस जियो ने कहा है कि प्रत्येक 1 GB डेटा के लिए यहाँ पर लोगों से चार्ज लिया जाए 15 से 20 रुपये, या तो 15 रुपये लिए जाए या 20 रुपये लिए जाए। तो 1 GB इंटरनेट के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया है कि 1 GB डेटा के लिए 35 रुपये चार्ज लिया जाए। 35 रुपये आपको 1 GB डेटा के लिए देना पड़ेगा, साथ में 28 डेज के लिए भी यहाँ पर एक सर्विस चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो कि नेटवर्क के सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर जो है फीस बताई जा रही है, और ये 75 रुपीज़ होने वाली है। यानी कि ये तो अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका सिम वहाँ पर जो है हर महीने एक्टिव रहेगा, 75 रुपीज़। और 1 GB डेटा के लिए आपको 35 रुपीज़, तो टोटल 110 रुपये में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी और 1 GB इंटरनेट मिलेगा। किसी तरह की कॉलिंग और SMS नहीं मिलेंगे, कॉलिंग के लिए आपको अलग से प्लान लेना पड़ेगा, ऐसा वोडाफोन आइडिया के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो है एयरटेल की बात करें तो उन्होंने 1 GB इंटरनेट के लिए 30 रुपये की डिमांड की, यानी कि 1 GB इंटरनेट के लिए आपको 30 रुपये वहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेटवर्क फीस होने वाली है, जो नेटवर्क चार्ज होने वाला है 28 डेज के लिए, वो यहाँ पर बताई गई है एयरटेल के द्वारा, 75 रुपीज़। और उसके अलावा अगर आप कॉलिंग भी लेना चाहेंगे तो वो आपको मिलेगी 60 रुपीज़ में, यानी कि 28 डेज के लिए आपको 1 GB डेटा और कॉलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। जो टोटल आपका चार्जेस बनेगा वो 165 रुपीज़ बनेगा, 165 रुपये में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी और 1 GB इंटरनेट कॉलिंग। तो ये कुछ प्लान यहाँ पर फ्लोर प्राइसिंग की डिमांड की जा रही है, ऐसे प्लान की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। और ट्राई को जो है एक लेटर लिखा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया लिमिटेड की जो एसोसिएशन है COAI, तो उन्होंने अब फिलहाल लेटर लिखा है और जल्द से जल्द फ्लोर प्राइसिंग की डिमांड की है। तो अगर फ्लोर प्राइसिंग इंडिया के अंदर आ जाता है तो जो आपकी कीमतें हैं, जो आपका प्लान है, वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। अगर आप लोग डेटा यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। 30 GB डेटा के लिए आपको करीबन 1000 रुपीज़ तक पे करने पड़ सकते हैं 28 डेज़ के लिए ही। तो दोस्तों, कैसा होगा अगर यहाँ पर फ्लोर प्राइसिंग इसी तरह का इंडिया के अंदर आ जाता है, क्या फ्लोर प्राइसिंग इंडिया में आना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये कुछ न्यूज़ आ रही थी आज आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।